विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच जाड़े में हल्के तेलों की मांग बढ़ने से बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव सुधार दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि सोयाबीन के तेल रहित खल यानी कि DOC की तरह मूंगफली के DOC की मांग कमजोर होने से केवल मूंगफली दाने के भाव हानि दर्शाते बंद हुए। मूंगफली तिलहन की गिरावट का दबाव मूंगफली तेल की कीमतों पर भी हुआ, लेकिन मूंगफली तेलों के भाव समीक्षाधीन सप्ताह में अपरिवर्तित रहे। सूत्रों का कहना है कि पिछले सप्ताह के दौरान विदेशों में सोयाबीन के दाम $70 बढ़े हैं तथा कच्चे पाम तेल CPO के दाम में 30 से 40 डॉलर प्रति टन की वृद्धि हुई है, जिससे इनके रिफाइंड तेलों के भाव में सुधार आया है। सोयाबीन DOC की मांग मामूली कमजोर होने से समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाने और लूज के भाव मामूली सुधार के साथ बंद हुए। सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार के कारण सोयाबीन तिलहन के दाम भी सुधर गए। सूत्रों का कहना है कि CPO के दाम में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जाड़े में इसकी मांग कम हो सकती है और इसलिए भाव में ही तेजी है, मगर बाजार में इस तेल के लिवाल कम है। CPO का प्रसंस्करण कर तेल बनाने की लागत कहीं ऊंची पड़ती है और इसका भाव हल्के तेल में सोयाबीन से भी अधिक है। निश्चित तौर पर उपभोक्ता सस्ता व हल्का तेल खाने को तरजीह दे रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि सरसों की उपलब्धता काफ़ी कम रह गई है। जाड़े की मांग बढ़ने के बीच सप्ताह के दौरान कोटा सलोनी वालों ने सरसों का दाम 8,700 रुपये से बढ़ाकर लगभग 8,800 रुपये क्विंटल कर दिया है। इसका असर देश भर में सरसों तेल तिलहन की कीमतों पर हुआ और इनके दाम सुधार के साथ बंद हुए। देश में 5 से 7 हज़ार की संख्या में सरसों की छोटी पेराई मिले हैं और ये मिलें खुदरा ग्राहकों को माल बेचती हैं। इनकी प्रति मिल औसत दैनिक मांग 5 से 15 बोरी के लगभग है। इन छोटे मिल वालों की मांग होने के अलावा सरसों खल की मांग बढ़ने से इसके तेल तिलहन के दाम में सुधार आया है। सूत्रों का कहना है कि विभिन्न तेल संगठनों को सरसों सहित विभिन्न खाद्य तेलों के स्टॉक की जानकारी समय पर सरकार को देनी चाहिए ताकि वास्तविक स्टॉक की स्थिति के अनुसार समय रहते आगे के इंतजाम किए जा सकें। सूत्रों का कहना है कि अधिकतम खुदरा मूल्य के संदर्भ में भी सरकार को लगातार निगरानी रखनी होगी और शुल्क कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाना सुनिश्चित कराना होगा। इसकी सख्त निगरानी करना जरूरी है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाजायज फायदा बड़ी दुकानें, बड़े मॉल्स और परचून विक्रेता उठाते हैं। सूत्रों का कहना है कि बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 350 रुपये सुधर कर 8,645 से 8,675 रुपये क्विंटल हो गया, जो पिछले सप्ताहांत 8,295 से 8,325 रुपये प्रति क्विंटल था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।